होगी। कुमारी करीना उपस्थित महोदय, आज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि बहन देवकी को विदा हेतु मथुरा की श्रेष्ठ कन्याओं द्वारा मांगलिक वस्तुओं के साथ विदाई हेतु कन्याओं को प्रस्तुत करें। अरे द्वारपालो, शीघ्र कन्याओं को लेकर प्रस्तुत किया जाए। तो आज्ञा हो महाराज। जगत पति
तैयार कर बहिन देव की विदा करने की तैयारी करें। मैं स्वयं रथ हाँक कर बहिन को छोड़ने जाऊंगा। भैया जी भैया अब आओगी तुम बिन कैसे दिन कटेंगे, तुम बिन दिन नहीं अब कटेंगे, तुम बिन मुझे मेरे
भैया आप जी भैया अब जाऊंगी साथ पिता सब मिल कर रहना साथ पिता सब मिल कर रहना यही खुशी में जानूंगी मेरे भैया जाऊंगी मेरे भैया जी भैया अब जाऊंगी यहाँ आओगी भैया मुझे आशीर्वाद दो वो पूज्य पिताजी का पूरा पूरा ध्यान रखना सावधान कंस सावधान जिस बहन को तू आज इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है उसी का आठवां बालक तेरा प्यार होगा यह नहीं हो सकता है
सोचें, मैं आपकी बहन हूं, आपका बुरा क्यों सोचूंगी। सही लगेगा, मिक्सिंग वाला करेंगे ना, सही लगेगा।
खटक पे हल हो जाता है। तेरी कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, तेरे हाथों मर भी जाऊं, तेरे हाथों मर भी जाऊं, राग द्वेष की बात नहीं। आपकी बहन है, आप मेरी पत्नी है, इसे और जलील होते हुए नहीं देख सकता हूँ। काफी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, यदि और बर्दाश्त नहीं होता तो आप यहां से चले जाएं। यहां हम भाई बहन का मामला है, आप यहां आपकी बहन का और मेरी पत्नी जा रहे हैं, इसलिए आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कौन रोके को है हिम्मत किसी में, जीते जी ना होने दूंगा, जीते जी ना होने दूंगा, दूरदशा प्राण प्यारी की देख लूंगा, मैं भी उसे जान लेगा जो देवकी। जग मैं कोई मुझसा
इनका संगा ना करो तुम, ए भैया इनका संगा ना करो तुम, दासी शीश झुका दी है, दासी शीश झुका दी है, ये खटक बहुत है, अपना रक्त ये चढ़ाती है, ये खटक बहुत भूखी है, जो अपना रक्त चढ़ाती है।
बाजुओं में भी गरम रक्त बह रहा है, तो देर की हम भी देखते हैं जिसमें दम है। राजा जोड़ी जी अच्छा बोलो खबरदार कंस, मेरे तो नौ में पड़ा है, जो तूने ऐसा अनर्थ किया अपनी बहन बहनोई को मारना चाहता है, तुझ पर धिक्कार है, कुलनासी धिक्कार है। अगर अगर आपको अपने कुल का इतना ही ख्याल है तो आप यहाँ क्यों चले आए? आप यहाँ से जा सकते हो।
पिताजी को छोड़ दीजिए, उनके बदले मेरी जान दीजिए।
Thank you.
किसी की धरती में निपुणता रहना ही अच्छा है। अरे मूर्ख कांस, देर हो जाएगी तो राक्षसों की भीत के तीसरा नेत्र बन जाएगा। पहली संतान ले आया हूं,
लीजिए। कहिए मंत्रीवर भाई यार प्रजा के क्या हाल है। महाराज आपकी प्रजा है और मोक्ष की ओर अग्रसर है। अच्छा तो हमारी प्रजा परम पद पाना चाहती है, पृथ्वी ना क्यों न हो आखिर चारों ओर अमन चैन जो छाया आपके साथ में लोग मानने की ओर तैयार है, परंतु आपके आधार को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हम अत्याचार करते हैं? जो आज्ञा हो महाराज। मेरा
काल स्वयं काल के मुंह में समा गया है। I'm
कंसराज समझ लो पहले और आठवें का फेर है, पहला आठवां हो सकता है और आठवां पहला हो सकता है और कोई भी आठवां इसे अच्छी प्रकार समझ लो।